कितने बार बजाए? एक बार। तो चार हो गए, ठीक है, बट बहुत है, लास्ट में नहीं बजाना है। I'll do it, don't worry. I don't want to miss this opportunity actually. बहुत बढ़िया बोलता है यार, you speak very well. सही है। ये इनका सपना है कि रैपर क्रिस के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए, यूट्यूब पे भी है बॉस। जमशेदपुर में जो पले बड़े और वहां पे एक्चुअली रेडियो स्टेशन में भी पहुंच के काम भी कर लिया एज ए रेडियो जॉकी, मतलब बाहर से जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो कुछ बचा तो है ही नहीं क्रिस आपके लाइफ में। बट हैविंग सेड दैट, कोई एक सीख मिली है क्योंकि तीन बार मुंबई से लौट के वापस गए हो, तो कुछ तो तीसरी बार वापस कैसे आए? व्हाट इज द वन थिंग दैट कॉल्ड यू बैक? एक होता है जोश खरोश, इंसान जब मेंटली प्रिपेयर होता है किसी चीज के लिए तो उसको थोड़ा सा कभी निराशा होता है, कभी आशा हो। But let's always write, you know, शायद किसी फिल्म को देख के, किसी रैपर की कहानी, या फिर कोई दोस्त था जिसने बोला कि भाई आजा तू, हम लोग हैंडल कर लेंगे। एक मूवी मैंने देखा था, उस मूवी पे एक डायलॉग था, वो डायलॉग ये था कि मुंबई शहर जो है पहली मर्तबा, पहली दो तीन मर्तबा वो रुलाता है, जब वो रुलाता है तो उसके लिए तैयार रहो, फिर जब वो खुशी देगा वो लामहदूद रहेगा, अनलिमिटेड। इट्स गोना बी हैप्पी। आर यू फीलिंग दैट अनलिमिटेड हैप्पीनेस? हां ऑब्वियसली, आई एम सो हैप्पी इन द स्टूडियो आल्सो, आई लव इट। बट पता है क्या, ही इज मल्टीलिंगुअल यार। तो तुमने उर्दू का थोड़ी देर पहले रैप सुनाया, मैं हिंदी में तो जबरदस्त रैप करते ही हो, लेकिन बंगाली में भी रैप करते हो, दिस इज अमेजिंग। आई हैव नेवर हर्ड अ बंगाली रैपर। आपको बंगाली कैसे आती है? मैं कॉलेज इन कोलकाता से किया हूं, इसलिए, एंड आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट लर्निंग लैंग्वेजेस। अभी मैं मराठी भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह, नहीं मराठी रैप तो यहाँ पे सुनते हैं लेकिन बंगाली रैप कभी नहीं। रैपिंग में कई बार लोगों को लगता है ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसमें थोड़ी गाली गलौज भी कई बार हो जाती है, टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन ऐसा होता है। अमेरिका में तो ऐसा बड़ा है, Eminem was one of my favorites of all time, you know, Tupac one of my favorites, मैं बहुत रैप को फॉलो करता हूँ। My question is कि भारत में मुझे लगता है कि एक डिवाइन को छोड़ के अब जो बादशाह बादशाह भी आए, बट डिवाइन को छोड़ के नेचुरल रैपर्स नहीं है, डू यू एग्री विद दिस? ये चीज मैं मानता हूँ कि नेचुरल रैपर्स नहीं, लेकिन हाँ रही बात गाली की बात, आई नेवर यूज्ड इट, मैं कभी नहीं इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज माय फॉर मी ये मेरी आने वाले दिनों में रोजी रोटी कहलाएगी और मैं कभी नहीं जाता हूं इसमें साथ। पर इसमें जो एग्रेशन आता है कई बार रैपर्स का, उनको लगता है कि नेचुरल तरीका होता है, अबे तेरी माँ की, ऐसे ऐसे बोलते हैं। अरे एग्रेशन तो कैसे भी आ सकता है, जैसे उर्दू का रैप है, जमाने को देखो तो देखो बंदे को, बंदे को जो देखो तो देखो सुलूक को जो देखो तुम देखो, जो दिल को जो दिल को तुम देखो तो यारी मोहब्बत, मोहब्बत खुदा से खुदा ने जो पाला, मोहब्बत में ऐसा मोहब्बत है डाला, मोहब्बत है मुझसे मोहब्बत जमी से जमी में, जो मुझको है जाना, इसमें भी एग्रेशन है विदाउट यूजिंग प्रोफैनिटी। आप एक आने वाले युवा को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को, माशरे को आप एक पैगाम दे रहे हैं। जैसे एक निर्भया जो हुआ था दिल्ली में, उसके ऊपर मैंने रैप किया था, अगर आप लोग इजाजत देंगे। प्लीज, आई विल बी सो हैप्पी, सो प्राउड। जिस देश में पूजा जाता है देवी को साल में कई बार, शीश झुकाते चुमते चौखट माता के जाके दरबार, लक्ष्मी दुर्गा काली मजग दम्बे वाली, कितनी सारी रूप है इनकी कितनी सारी अवतार, फिर भी दुनिया जुल्म है करती खुदा से आखिर क्यों नहीं डरती, छोड़ के जाना है दुनिया को एक दिन ये बात आखिर क्यों नहीं समझती, मार दो ना आज तुम अपने अंदर के शैतान को, स्वर्ग के दर्शन करोगे तुम मरने के बाद ये जान लो, ऐसे लोगों को फांसी लटका देना चाहिए, ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, ऐसे लोगों को पत्थर से मार के मरना चाहिए, ऐसे लोगों को जिंदा दफना देना चाहिए, सबक नहीं सिखाओगे तो गलतियां होती रहेंगी, एक से बढ़कर एक बड़ी कांड होती रहेंगी, मरकर ऊपर वाले को क्या चेहरा दिखाओगे, जो खताकार बंदों को तुम बचाओगे, निर्भय मासूम लड़की ने क्या बिगाड़ा था, हैवान के शिकार जो तुमने बनाया था, क्या तुम ही में जवानी थी और कोई जवान नहीं, बलात्कार के बाद जो सूर्य से तड़ पाया था। हमारे लिए स्पेशल रैपी बनाया और बंगाली में भी रैप करता है। आई हैव नेवर हर्ड अ मल्टी